आज हमने स्टार्ट करना है इंटरवल एस्टिमेशन। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो होता है इंट्रेंस, ये जो हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर स्टैटिस्टिकल इंट्रेंस, हमारा इसकी हमारे पास दो ब्रांचेस होती हैं, एक एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर और एक टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, हमारे पास देखिए स्टैट्स की दो ब्रांचेस होती हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और एक होता है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक तो हमने सारा फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, जो हम करते थे मीन मीडियन मोड वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरह की जो भी चीज़ें ग्राफ डायग्राम जो हमने सब पढ़ी थी वो हमारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक थी। फिर अब हम इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक पे आए हैं, तो इसकी आगे फर्दर हमारे पास दो ब्रांचेज हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक की दो ब्रांचेज हैं, एक एस्टिमेशन होती है और एक टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस होती है। अब जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये हमारा एस्टिमेशन है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये बेसिकली आई थिंक किसी बच्चे ने पूछा था कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस और एस्टिमेशन में क्या डिफरेंस है। एस्टिमेशन ब्रांच है इन्फ्लुएंस की। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर अब हमारे पास जो एस्टिमेशन आ गई इसकी भी हमने जो इस चैप्टर में पढ़नी है दो ब्रांचेज हैं। ठीक है, एक है हमारे पास पॉइंट एस्टिमेशन और एक है हमारे पास इंटरवल एस्टिमेशन। ठीक है, एक है इंटरवल एस्टिमेशन और एक है पॉइंट एस्टिमेशन। अब पॉइंट एस्टिमेशन अब हमने कल देखी थी, जिसमें हमारे पास सिंगल वैल्यू आती है, इसमें हमारे पास सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू आती है इसका रिजल्ट जो पॉइंट एस्टिमेशन का होता है। हम मीन का निकाले या वेरियंस का निकाले प्रोपोर्शन का निकाले, कोई भी जो सिंगल रिजल्ट होता है वो पॉइंट एस्टिमेशन होता है। इंटरवल एस्टिमेशन में आज हम जो करेंगे इसमें हमारे पास रेंज ऑफ वैल्यूज होंगी, लोअर प्लस अपर दो वैल्यूज होंगी और इसके दरमियान में हम कहेंगे कि हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर लाई करता है। पॉइंट एस्टिमेशन में तो हम ये कहते थे कि ये जो हमारी वैल्यू आई है ये अनबायस एस्टिमेट है या बेस्ट एस्टिमेट है पॉपुलेशन पैरामीटर की, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि इस रेंज ऑफ वैल्यूज के दरमियान में हमारी जो है वैल्यू लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फर्दर इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है। इसको मैं आपको बताती हूँ इन इजी लैंग्वेज में, इट इज़ अ रेंज ऑफ वैल्यूज विद इन विच द पॉपुलेशन पैरामीटर इज एक्सपेक्टेड टू लाई विद अ सर्टेन डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। अब बेसिकली इसमें आपका ये जो इंटरवल एस्टिमेशन होगा ये रेंज ऑफ वैल्यूज होगा। ठीक है, रेंज ऑफ वैल्यूज होगा जिसके अंदर पॉपुलेशन पैरामीटर हम कहेंगे कि एक्सपेक्टेड टू लाई हम इतने परसेंट श्योर है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो है रेंज ऑफ वैल्यू आती है 5 से 7 आती है हमारी रेंज ऑफ वैल्यूज, लोअर वैल्यू हमारी 5 आती है और अपर वैल्यू हमारी 7 आती है और हमारा म्यू है 6। ठीक है, हम इसमें कह देंगे हमें क्वेश्चन जब आप देखेंगे करेंगे हम तो आपको बिल्कुल इजी रहेगा, हम कह देंगे मिसाल के तौर पर हमें क्वेश्चन भी गिवन होगा ये खुद से हमने अज्यूम नहीं करना होता, हम कह देंगे कि हम 90% श्योर हैं या 95% श्योर हैं, जितने परसेंट भी आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन होगा कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आप कहेंगे कि हम इतने परसेंट श्योर हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू है वो इस इंटरवल के दरमियान में लाई करते हैं। अगर आप देखें तो ये बाकी वैल्यूज के अंदर लाई करती है ना, इन दोनों का हम एवरेज लें और 2 से डिवाइड करें लाई करती है, 5 और 7 के दरमियान के अंदर ही है बाहर नहीं है। अगर ये होती मिसाल के तौर पर हमारी वैल्यू स्टार्ट होती 7 से लेकर 8 तक होती और हमारी ये वैल्यू म्यू 6 है तो हमारी इस रेंज ऑफ वैल्यू में ये वैल्यू तो लाई नहीं कर रही है ना। अब हमारा मतलब ये कि हम इसमें ये नहीं है कि हमारा इस इंटरवल में लाई करें कि ऐसा होता नहीं है, वैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल में आमतौर पर आपकी वैल्यू लाई करती है। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल पे आते क्यों हैं, ये पॉइंट एस्टिमेशन हमने कर लिया था वो काफ़ी नहीं था, अब हम इस पर क्यों आए। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास इसका हम प्रिसीजन फाइंड कर सकते हैं कि हम इतने परसेंट श्योर है, इतने परसेंट हमारा डेटा करेक्ट है, इतने परसेंट एक्यूरेट है। अब जो पॉइंट एस्टिमेशन है उसमें हमारे पास ऐसा कोई मेथड नहीं है कि हम बता सकें कि हम इतने परसेंट श्योर हैं, प्रिसीजन हमारा ये आ रहा है, एक्यूरेसी ये आ रही है, ये हम इंटरवल एस्टिमेशन में ही बता सकते हैं कि हम इतनी रिसर्च हमारा रिजल्ट आ रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा इंटरवल एस्टिमेशन की डेफिनेशन। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको लिखकर वो व्हाट्सएप कर दूंगी ये वाली, यहाँ से देखें अगर ये करना चाहते हो तो ये कर लें। इंटरवल एस्टिमेशन इज अ प्रोसीजर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन इंटरवल फ्रॉम अ रैंडम सैंपल, आपने रैंडम सैंपल से जो है ये इंटरवल कंस्ट्रक्ट करना है। सच डेट प्रायर टू सैंपलिंग इट इज अ हाई स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग, अब ये जो आपको 95% गिवन है कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी गिवन है ना, आपको मैंने बताया जो भी वैल्यू परसेंटेज में होती है उतना से प्रोबेबिलिटी होती है, तो वो कह रहे हैं आप स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी जो है हाई स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग अननोन टू वैल्यू पॉपुलेशन पैरामीटर,
आप इतने परसेंट श्योर होते हो, इतने परसेंट प्रोबेबिलिटी का मतलब है आप इतने परसेंट श्योर होते हो कि ये अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर इस रेंज ऑफ वैल्यूज में लाई करेगा, ठीक है। इंटरवल का मतलब ये होता है ना कि कोई रेंज, कोई किसी चीज के दरमियान में इंटरवल आ रहा है, लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू है, दरमियान में कोई वो वैल्यू जो है पॉपुलेशन पैरामीटर की लाए करेगी, इतने परसेंट हम श्योर है। ये तीन चीजें इसमें आप जब करेंगे ना चैप्टर में, आपको बिल्कुल चैप्टर सारा सेम ही लगेगा। एक बार आपको करना आ जाएगा तो आपको सारे क्वेश्चन पूरे चैप्टर के सेम लगेंगे, और छोटे छोटे क्वेश्चन का लेंथ ही नहीं है। अब नीड ऑफ इंटरवल एस्टिमेशन, हम इंटरवल एस्टिमेशन करते क्यों है? अभी मैंने आपको बताया कि इंटरवल एस्टिमेशन हम इसलिए करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है उसको हम देख सकें कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, ये एरर फ्री है, इसमें प्रिसीजन कितना है, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हमें इंटरवल एस्टिमेशन की जरूरत पड़ी। पॉइंट एस्टिमेशन में हमें ये वाली जो है सहूलत नहीं थी, इसमें है कि इंटरवल एस्टिमेशन में हम ये चीज देख सकते हैं। एनी पॉइंट एस्टिमेटर एस्टिमेट हैज द लिमिटेशन दैट इट डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिसीजन ऑफ एस्टिमेशन। अब ये डेफिनेशन आपने याद करनी है, और ये जो नीड ऑफ इंटरवल एस्टिमेटर एस्टिमेशन है ये भी आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए, एमसीक्यू से भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं इसको। एनी पॉइंट एस्टिमेट, अब वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई पॉइंट एस्टिमेट, पॉइंट एस्टिमेट की ये लिमिटेशन है कि वो आपको प्रिसीजन नहीं देता एस्टिमेट, तो आप एस्टिमेट निकालते हो उसका कोई प्रिसीजन नहीं बताएगा। अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर ड्यू टू सैम्पलिंग, अब सैम्पलिंग की वजह से वो कह रहे हैं कि हमें एरर बताता नहीं कि एरर कितने हैं, मैग्नीट्यूड नहीं बताता एरर का। ऑफर सच इन्फॉर्मेशन एसेंशियल फॉर प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ द सैम्पल रिजल्ट, अ पॉइंट एस्टिमेटेड कैलकुलेट फ्रॉम सैम्पल डेटा प्रोवाइड अ सिंगल नंबर, आपको पता है पॉइंट एस्टिमेटर से सिंगल नंबर ही हम कैलकुलेट करते हैं, सिंगल वैल्यू, जैसे कि मीन कैलकुलेट कर रहे हैं वो सिंगल वैल्यू होती है, प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी सिंगल वैल्यू होती है, अगर वेरियंस हम निकालते हैं तो वो भी सिंगल वैल्यू होती है, सेट ऑफ रेंज ऑफ वैल्यूज नहीं होती है वो। दिस सिंगल नंबर लाइज इन द फोरफ्रंट इवन दो स्टेटमेंट ऑफ एक्यूरेसी इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर इज अटैच्ड टू, अब वो कहने हैं कि कुछ हद तक हम एक्यूरेसी देख सकते हैं स्टैंडर्ड एरर से, अ पॉइंट एस्टिमेटर हाउएवर एफिशिएंट मे बी कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू एग्जैक्टली इक्वल टू द पॉपुलेशन पैरामीटर, और ये जो है इतना एफिशिएंट नहीं। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि हम किसी भी एस्टिमेटर को चेक करते हैं कि गुड एस्टिमेटर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो हमारे पास चार प्रॉपर्टीज होती हैं, एक हमारे पास होती है अनबायसनेस, एक हमारे पास होती है एफिशिएंसी, एक हमारे पास होती है सफिशिएंसी, और एक हमारे पास होती है कंसिस्टेंसी। ये चार प्रॉपर्टीज हम देखते हैं किसी भी गुड एस्टिमेटर की क्या होती है। अब वो कह रहे हैं कि वो एफिशिएंट नहीं होगा पॉपुलेशन पैरामीटर का जो पॉइंट एस्टिमेटर होगा, यानी कि जितनी भी सारी बुराइयां हैं वो पॉइंट एस्टिमेटर की यहाँ पे आ जाएंगी। एंड पे जाके बता दूंगी कि इंटरवल एस्टिमेटर जो है वो बेस्ट है। मोर ओवर वी कैन नॉट असेस सिंपली बाय लुकिंग एज एट जस्ट ओनली वन वैल्यू, हाउ क्लोज टू एस्टिमेट द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड, अ पॉइंट एस्टिमेटर बाय इट्स दैट डज नॉट सप्लाई दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसीजन। अब इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से आपने रीड कर लेना और उसमें से देख लेना जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है उसको अंडरलाइन कर लेना है कि पॉइंट एस्टिमेटर क्यों अच्छा नहीं है इंटरवल एस्टिमेटर की यूज पर, ठीक है। एन अल्टरनेटिव अप्रोच टू एस्टिमेशन इज टू एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट एरर बाउंड टू प्रोड्यूस एन इंटरवल ऑफ वैल्यू दैट इज लाइकली टू इंक्लूड अननोन ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, दिस इज कॉन्सेप्ट फ्रॉम द, आप वो कह रहे हैं कि इंटरवल एस्टिमेटर है वो आपको अननोन वैल्यूज के लिए बताते हैं उसके अंदर आपकी लाई करेगी, जैसे लोअर अपर आपकी वैल्यू होती है उसके अंदर आप कहेंगे पॉपुलेशन पैरामीटर इसी के अंदर ही लाई करेगा, और इतने परसेंट आप श्योर होते हो कोई भी कॉन्फिडेंस लिमिट या कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको गिवन होगा ये क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपको ये भी पता है कि जब हम इंटरवल एस्टिमेशन कर रहे हैं, एक हम पढ़ते हैं एस्टिमेशन की डेफिनेशन, एक हम पढ़ते हैं एस्टिमेटर की डेफिनेशन, एक हम पढ़ते हैं एस्टिमेट की। अब यहाँ पर ये इंटरवल एस्टिमेट की वैल्यू आ गई, इसका मतलब है ये न्यूमेरिकल जो आपने काम करना है उसकी वैल्यू आ जाएगी। एस्टिमेटर होता है जिसमें ओ आता है वो फॉर्मूला होता है। एन इंटरवल एस्टिमेट इज इंटरवल कैलकुलेटेड फ्रॉम अ रैंडम सैंपल सच अ प्रायर टू सैंपलिंग इट हैज अ हाई स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग अननोन टू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। अगर आप देखें तो ये जो इंटरवल एस्टिमेशन है इसकी डेफिनेशन में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, आप एक डेफिनेशन अच्छी तरह से याद कर लें दूसरी में थोड़ा बहुत चेंजिंग करके आप इस सेकेंड डेफिनेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। इंटरवल एस्टिमेट की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। लेट एक्स वन एक्स टू सो xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद अननोन पैरामीटर थीटा, फॉर एग्जांपल अगर आप थीटा पैरामीटर है उसको फाइंड करना हो, हम न्यू इसको अज्यूम कर लेते हैं आप थीटा से अगर कंफ्यूज होंगे तो, अगर कोई अननोन पैरामीटर आपने न्यू फाइंड करना हो, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर न्यू की थीटा की जगह आप न्यू लिख सकते हो इस
इंटरवल एल एंड यू, एल का मतलब है लोअर वैल्यू, यू का मतलब है अपर वैल्यू, कंप्यूटेड फ्रॉम सैंपल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आपने सैंपल ऑब्जर्वेशन से लोअर अपर इंटरवल बना लिया, और आप इसमें कहते हैं कि आपकी जो वैल्यू है लाई करेगी। लेट वन माइनस अल्फा बी स्पेसिफाइड हाई प्रोबेबिलिटी, अच्छा जी, अब ये 1 माइनस अल्फा बी स्पेसिफाइड, अभी मैंने आपको बताया था कि आपको प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, ठीक है, इंटरवल जो है वो आपको गिवन होगा, इतने परसेंट आपका कोफिशिएंट ये है, कोफिशिएंट कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट आपको गिवन होगा। अब वो कहने कि 1 माइनस अल्फा परसेंट आपकी प्रोबेबिलिटी है, उसको हम कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट भी कह सकते हैं कि आपकी लोअर अपर के दरमियान में ये वैल्यू लाई करती है। इसको इन अदर वर्ड्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ लोअर लेस देन, यहाँ पे म्यू लिख लें, आपको मैंने कहा है जो जो भी आप इसीलिए आपको लगता है म्यू भी निकालने तो म्यू लिख लेंगे, सिग्मा की निकाल लें तो सिग्मा लिख लेंगे, प्रोपोर्शन की निकाल दें तो पाई लिख लोगे। ठीक है, इन दोनों की जो है लोअर और अपर की आप प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो वो 1 माइनस अल्फा होती है, इतने परसेंट हम श्योर है कि हमारा जो म्यू है इन दोनों इंटरवल के दरमियान में लाई करेगा। ठीक है, ये 1 माइनस अल्फा का मतलब क्या है यहाँ पे कि हम इतने परसेंट श्योर है कि हमारा म्यू इस इंटरवल के दरमियान में लाई करता है, ये है बेसिक पर्पस इसका। नेक्स्ट हम आ रहे हैं द इंटरवल एल यू इज कॉल्ड 100 इनटू 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पैरामीटर थीटा एंड द प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अब आपको जहां से इजी लगता है आप वहां से कर लें, आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल की डेफिनेशन भी करनी है और कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट की भी डेफिनेशन करनी है। आमतौर पर कभी कभी इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं और कभी कभी इनका सेपरेट भी आ जाता है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल और कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट की डेफिनेशन आपने कर दी है जहाँ से आपको मिलती है। वैसे तो कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट की नेक्स्ट आ रही है लेकिन आपको कहीं इजी मिलती है तो आप वहां से कर लें। अब ये 1 माइनस ये जो है आप ये देखें इसमें डिफरेंस क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल एल और यू है आपकी जो लिमिट्स है, कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट ये है कि 1 माइनस अल्फा परसेंट जो आपको प्रोबेबिलिटी गिवन होगी वो है। Note that 1 minus alpha is the probability that random interval L U include the parameter theta, not probability theta. अब इसको भी यहाँ से पढ़ लें, ये आप confidence limit बताएगा कि ये आपकी lower है value, ये upper है value, ये सारी चीज़ें इससे बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं जो important आ रहे हैं, the width, अब आपने width कैसे find करनी है, the width U माइनस L, आपने ये याद रखना है विथ कैसे निकलती है कॉन्फिडेंस इंटरवल की, हमेशा जो आपको अपर वैल्यू होगी अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करेंगे तो ये आपके पास विथ आएगी। ठीक है, ये विथ आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल मेजर द प्रिसीजन, ये आपको प्रिसीजन बनाएगी, हमारा जो हमने अभी ड्रॉबैक पढ़ा था पॉइंट एस्टिमेटर का कि वो आपको प्रिसीजन नहीं बताता, एक्यूरेसी नहीं बताता, लेकिन आप इस इंटरवल एस्टिमेशन के थ्रू एक्यूरेसी फाइंड कर सकते हैं। अब वो एक्यूरेसी फाइंड कैसे करते हैं, आपने ये जो है विथ निकाल लेनी है अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, जो भी आपके डाटा की अपर वैल्यू होगी उसमें से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो आपको प्रिसीजन ऑफ एस्टिमेट बताएगी। अब देखें कैसे कौन सा बेहतर होगा, यहाँ से देखें द शॉर्टर द कॉन्फिडेंस इंटरवल, जितनी ये वैल्यू छोटी आएगी द मोर प्रिसाइज द एस्टिमेट विल बी, इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में यहाँ से बात देखें, इन दोनों वैल्यूज का जब आप डिफरेंस लेंगे वो जितनी वैल्यू छोटी आएगी उतना ही आपको जो है मोर प्रिसाइज होगा एस्टिमेट। ठीक है, द प्रिसीजन कैन बी इंक्रीज, और प्रिसीजन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं ये भी आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी, प्रिसीजन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, एक तो आप या तो सैंपल साइज को इंक्रीज कर लें या फिर डिक्रीजिंग द स्टैंडर्ड एरर, आपको पता है स्टैंडर्ड एरर किस चीज़ के इक्वल होता है, सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, इसके इक्वल ही होता है ना हमारा स्टैंडर्ड एरर। अब उन्होंने कहा कि प्रिसीजन को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, या तो आप सैंपल साइज को बढ़ा लो, एन आपका बड़ा हो जाए तो इसका मतलब आपका प्रिसीजन ज्यादा हो जाएगा, या फिर आप ये पूरी वैल्यू ही कम हो जाए, अगर देखा जाए एन आपका नीचे ही आ रहा है डिनोमिनेटर में तो इसका मतलब आपका न्यूमिनेटर कुछ भी हो, जब नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती जाएगी इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू छोटी होती जाएगी ना, फॉर एग्जाम्पल आपकी ये वैल्यू है 5 ऊपर और नीचे वैल्यू आ जाती है 50, तो ये वैल्यू छोटी आएगी ना 55/50। अब जैसे जैसे आप एन इंक्रीज करते जाओगे आपकी स्टैंडर्ड एरर ये कम होता जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है, प्रिसीजन कैसे इंक्रीज होगा, या तो आपका स्टैंडर्ड एरर कम हो रहा हो, इन अदर वर्ड उसका मतलब होता है कि आपका एन इंक्रीज कर रहा हो, या फिर आप कहते हो डिक्रीजिंग द कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट, आपका कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 माइनस अल्फा।
या फिर 1 माइनस अल्फा की वैल्यू छोटी होती जाए। अब 1 माइनस अल्फा की वैल्यू छोटी होने का मतलब क्या है कि अल्फा आपका क्या करेगा, अल्फा आपका इंक्रीज करेगा। ये चीजें आपने याद रखनी है, थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है, ठीक है। तो सीन कैसे इंक्रीज होगा, आपका एन बड़ा हो या स्टैंडर्ड एरर कम हो। सेकंड आप कह सकते हो उसको कि आपका कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट कम हो, यानी कि 1 माइनस अल्फा की वैल्यू कम होती जाए। इसका ये मतलब है इन अदर वर्ड्स कि आपका अल्फा इंक्रीज करता जाए, अल्फा इंक्रीज करता जाए या फिर 1 माइनस अल्फा डिक्रीज करता जाए, ठीक है। इससे आपका 1 माइनस अल्फा आपका डिक्रीज करता जाए और अल्फा इंक्रीज करता जाए, ठीक है। नेक्स्ट अब कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट की डेफिनेशन उन्होंने फर्दर बता दी है कि ये क्या होता है। मीनिंग ऑफ कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल पता है ना क्या है, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल लोअर माइनस अपर वैल्यू। वी नो दैट द प्रायर ऑफ सिलेक्टिंग द रैंडम सैंपल द प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा एंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल वी ऑब्टेन विल इंक्लूड द पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा। अब हम इतने परसेंट श्योर हैं कि हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा इस इंटरवल के दरमियान में लाया करता है, ठीक है। द पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस इंटरवल द पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस इंटरवल रिजल्ट विल बी आइदर करेक्ट और इनकरेक्ट एंड डू नॉट नो फॉर सर्टन विच इज द केस। अब इसका मतलब ये है इनडायरेक्ट अगर देखा जाए, आपने डेफिनेशन तो याद करनी है, लेकिन ये बेसिकली पर्पस है कि आपका 1 माइनस अल्फा है वो बताता है कि हम इतने परसेंट श्योर है कि हमारे पैरामीटर म्यू की वैल्यू इसी के अंदर लाई करती है। हम बेसिकली एस्टिमेशन में एस्टिमेट ही कर रहे हैं ना कि किसी चीज़ को बता दें अप्रोक्सीमेट कि इतना है। जैसे हमने पॉइंट एस्टिमेशन में भी बताया था कि ये सैंपल से जो रिजल्ट शो हो रही है पॉपुलेशन के इक्वल है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम जो सैंपल से रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे कहेंगे कि इतने परसेंट शो हो रहा है कि पॉपुलेशन के रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन है ना सैंपल के थ्रू आप पॉपुलेशन की जो करते हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग द कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट क्या है। वी शुड लाइक द कॉन्फिडेंस इंटरवल टू वेरी प्रिसाइज वेरी नैरो। अब यहाँ से इसको देखिए, ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। वी शुड लाइक द कॉन्फिडेंस इंटरवल टू बी वेरी प्रिसाइज वेरी नैरो। अब ये हमने ऊपर भी देखा था कि ये विथ इसकी नैरो होनी चाहिए। वो कह रही कि प्रिसीजन होने के लिए आपकी ये जो विथ है कम होनी चाहिए, वेरी नैरो। नैरो का मतलब ये ना नज़दीक नज़दीक वैल्यू हो तो वैल्यूज हो तो फिर आपकी विथ कम आएगी, इसका मतलब मोर प्रिसाइज होगा। एंड वुड लाइक यू टू बी वेरी कॉन्फिडेंट इट इंक्लूड थीटा। और हम मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि हमारी वैल्यू इसके अंदर लाई करती है। अनफॉर्चुनेटली For the fixed sample size, the confidence coefficient can only be increased by increasing the width of the interval. अब ये भी MCQ में अक्सर पूछा जा सकता है कि आपकी confidence coefficient की value can only be increased by increasing the width of the confidence interval. आप अगर n की value fix हो जाए तो फिर ये इसका होता है further confidence coefficient increase करता है और width भी increase करती है अगर आपका n fix हो जाए तो, ठीक है। ये चीज़ें छोटी छोटी आपने याद रखनी है MCQ के लिहाज से। के बाद the confidence interval widens rapidly as the confidence coefficient gets near to 100%. अब वो कह रहे हैं कि जैसे आपको ये 100% के क्लोज हो जाएगा, ये जो अगर आप 1 माइनस अल्फा आपका 100% के क्लोज हो जाए तो फिर इंटरवल आपका बड़ा हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे आपके 1 माइनस अल्फा की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, वो कह रहे हैं गेट्स नियर 100%, तो फिर आपका जो है इंटरवल जो आप निकाल दें उसकी वैल्यू बड़ी आएगी, उसके दरमियान में कुछ ये निकला नहीं होता। द चॉइस ऑफ 1 माइनस अल्फा वेरी फ्रॉम केस टू केस डिपेंडिंग ऑन हाउ मच रिस्क ऑब्टेनिंग द इनकरेक्ट इंटरवल टू बी टेकन। द न्यूमेरिकल कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट 0.9 आमतौर पर यूजली हम 5% लेते हैं, 5%, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में हम 90, 95, 98, 98, यही आप देखो कि जब क्वेश्चंस करोगे ना आमतौर पर यूजली आपको यही वैल्यूज गिवन होंगी, ये 4-5 वैल्यूज का ही आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना होगा प्रैक्टिस में। यही आप जब टेस्टिंग करोगे तो टेस्टिंग में भी आप देखोगे 5% या फिर 2% या 1% इसी के आपने निकालना होता है कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट। अच्छा जी, नेक्स्ट है इसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस। अब यहाँ से आपका न्यूमेरिकल वर्क स्टार्ट होने वाला है, ये अभी तक तो थ्योरेटिकल था। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन यू। लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने सैम्पलिंग करनी होती थी, सैंपल मीन की, एक्स बार की, सैंपल वेरिएंस की, सैंपल प्रोपोर्शन की,
अब यहाँ पे आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना होगा पॉपुलेशन मीन का, म्यू का, या फिर पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर का, या पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पाई का, ये याद रखना है। वो आप सैंपल में काम कर रहे थे, यहाँ पे आपने पॉपुलेशन के लिए एस्टिमेट करनी है चीजें। इंटरवल एल यू इज द 100:1 - α% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन म्यू इज प्रायर टू सैंपलिंग। अब ये भी मैंने आपको बताया है प्रोबेबिलिटी, आप इतने परसेंट श्योर होते हैं कि आपको जो है पॉपुलेशन पैरामीटर इसके दरमियान में लाई करता है, ये प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होती है क्वेश्चन। अब यहाँ से भी ये सारा रेट कर लीजिएगा आप, मैं रेट करूँ तो आप थोड़े वो जाएंगे क्या, इसलिए खुद रीड कर लीजिएगा इसको अच्छी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं फर्स्ट केस हमारे पास, यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ, आमतौर पर जो हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना होता है अगर न्यू पर निकाल रहे हैं तो हम ये चेक करेंगे कि हमारी पॉपुलेशन नॉर्मल है या नहीं, पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन है या नोन है या अननोन है, सैंपल साइज छोटा है या बड़ा है, ये तीन चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं। पॉपुलेशन नॉर्मल है या नहीं, हमारा वेरिएंस नोन है या अननोन है, इसके डिफरेंट केसेस होंगे, अगर नोन होगा तो उसका अलग फार्मूला है, अननोन होगा तो उसका अलग फार्मूला है, एन लार्ज और एन स्मॉल, एन स्मॉल होगा तो उसका अलग फार्मूला होता है, एन लार्ज होगा तो उसका अलग फार्मूला होता है, ठीक है। इस तरह से आपने देखिए नॉर्मल, अगर फर्स्ट केस आ गया हमारे पास, अगर हमारी पॉपुलेशन नॉर्मल है, ठीक है, पॉपुलेशन नॉर्मल आ गई और वेरिएंस सिग्मा स्केयर नोन है, मतलब आपको सिग्मा स्केयर की वैल्यू नोन है, उन्होंने बता दी। सपोज दैट रैंडम सैंपल एक्स1 एक्स2 सो ऑन एक्सएन दिया, ये बेसिकली एक तरह से बता रहे हैं कि ये सैंपल है आपका, ये सैंपल का साइज है और पॉपुलेशन नॉर्मल से ड्रॉन किया गया है, जबकि आपका मीन अननोन है, मीन को आपने एस्टिमेट करना है और वेरियंस आपको नोन है मगर मीन अननोन है। We wish to construct a confidence interval which is likely to include two unknown value of population parameter mu with a degree of, आपको confidence interval भी given होता question में, आपको confidence interval given होगा, unknown variance की value given होगी, n की value given होगी, sample parameters given होंगे, आपने mu को estimate करना है, यहाँ पे intervals का find करना है, true value क्या, आपकी true value क्या है जो इस interval के दरमियान में lie करेगी, आप कितने percent sure हैं कि वो lie करती है या नहीं करती है। ये तो आप लोगों ने जब फर्स्ट चैप्टर में भी हमने देखा था और सेकंड चैप्टर में भी, मैं आपको साथ साथ बताती रही थी कि नेक्स्ट चैप्टर में हमने ये यूज करना है, आपको बस जी का ये फॉर्मूला आता है जो आप स्टैंडर्डाइज कन्वर्ट कर लेते हैं, एक्स पावर माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन रूट एन, आप इसको रीअरेंज करते हैं, आप इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जी सिग्मा ओवर एन रूट एन हो जाएगा एक्स पावर माइनस म्यू, फर्दर आप एक्स पावर को उधर लेके दूसरे साइड लेके चले जाएंगे, म्यू को आप दरमियान में लेंगे, तो ये हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल की फॉर्म में ये इस तरह से कंप्यूट होता है। ये आपको देखिए ये वाली वैल्यू जो है आपकी, ये आपकी लोअर होती है और ये वैल्यू आपकी अपर होती है, इनमें डिफरेंस क्या है, दोनों वैल्यू देखेंगे आप सेम पे, एक्स बार है यहाँ पे भी एक्स बार है, जेड वन माइनस अल्फा बाय टू है यहाँ पे भी जेड वन माइनस अल्फा बाय टू है, सिग्मा ओवर अंडर रूट है ना यहाँ पे भी सिग्मा ओवर अंडर रूट है, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है, लोअर में साइन आता है माइनस का और अपर में साइन आता है प्लस का, ठीक है। ये आपने इंटरवल फाइंड करना है, तो आपको एक्स बार भी गिवन होगा क्वेश्चन में, आपको सिग्मा भी गिवन होगा, एन भी गिवन होगा, अल्फा भी गिवन होगा, वन माइनस अल्फा या अल्फा भी गिवन होगा, आपने टेबल से वैल्यू देख लेनी है, ये सारी चीज़ें आपने इसमें पुट करके बस आपने इंटरवल बता देना कि न्यू इंटरवल के दरमियान में लाया करता है। अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको, ठीक है। ये तो उन्होंने एक तरह से बताया था कि ये आपको पॉपुलेशन का इंटरवल है, उसको आप एस्टिमेट करेंगे तो फर्दर स्मॉल में लिख देते हैं, आपको पता है जो सैंपल को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम वैल्यू उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको हम मजीद जो है कंसोलिडेटिव फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स बार प्लस माइनस जी वन माइनस एक्स बार टू सिग्मा ओवर एन जीरो एन। अब ये मैं आपको बता दूँ, हमेशा याद रखना, आपने अगर आप निकाल रहे हैं मीन के लिए जिस भी आप स्टैटिस्टिकली निकाल रहे होते हो, फॉर एग्जाम्पल म्यू के लिए है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका स्टैटिस्टिक आ जाता है, अगर आप इस फॉर्मूले को इन शॉर्ट लिखते हैं तो सबसे पहली वैल्यू आपकी स्टैटिस्टिक की आ जाती है, ये स्टैटिस्टिक है ना एक्स बार प्लस माइनस टेबल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद स्टैंडर्ड एरर आ गई, आप ये पूरे चैप्टर में देखोगे यही जनरलाइज फॉर्म होगी जिसको हम यूज कर अपना प्रोपोर्शन या वेरिएंस या जिस भी चीज़ का निकालेंगे, सबसे पहले स्टैटिस्टिक आ जाएगा। अगर हम म्यू के लिए निकाल रहे हैं, पॉपुलेशन म्यू के साथ डील कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा स्टैटिस्टिक आ जाएगा म्यू, टेबल वैल्यू आ जाएगी जी वन माइनस अल्फा बाय टू और स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा।
अगर आप फॉर एग्जाम्पल प्रोपोर्शन के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक प्रोपोर्शन पी आ जाएगा, प्लस माइनस टेबल वैल्यू आ जाएगी और स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा प्रोपोर्शन का। ठीक है, जिस भी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं उसका जनरलाइज फार्मूला ये होगा, तो स्टैटिस्टिक और प्लस माइनस टेबल वैल्यू और स्टैंडर्ड एरर। नेक्स्ट इसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, 100 × 1 - α% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द म्यू इज दिस। अब ये आप जब क्वेश्चन करोगे तो ये स्टेटमेंट आपने इंसर्ट करनी है क्वेश्चन में। जब आप सारी चीजें एक साइड पे लिख लोगे, x बार अगर आपको गिवन है तो आप स्टेटमेंट से आप पहले सारी चीजें अपनी जो है वो न्यूमेरिकल अटैक कर लेते हो। आप x बार लिखोगे, n लिखोगे, अगर सिग्मा गिवन है सिग्मा की वैल्यू लिखोगे, 1 - α गिवन है तो वो लिखोगे, उसके बाद टेबल की वैल्यू फाइंड करोगे। नेक्स्ट आप कहेंगे 100 × 1 - जितने परसेंट भी आप कॉन्फिडेंस इंटरवल कॉन्फिडेंस है उतना, मतलब आपको 95% गिवन है तो आप कह सकते हो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज दिस। ये फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इफ वी आइडेंटिफाई ये आपके पास लोअर है ये अपर है, मैंने आपको पहले भी बताया था। फर्दर आप उसको प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपकी लोअर है, ये अपर है और ये म्यू है। इसकी प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो ये 1 - α आती है, ये भी हमने भी स्टार्टिंग में देखा था, लेकिन वहाँ पे हम इन जनरल एल और यू लिख रहे थे, यहाँ पे हमने एल की वैल्यू और यू की वैल्यू पुट करके बता दिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं स्टेप्स क्या है हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल को फाइंड करने के। सबसे पहला स्टेप मैंने भी आपको बताया, आपने पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई कर लेना है, आपने कंडीशन देख लेनी है कि क्या आप काम कर रहे हो और कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये सारी चीज़ें जो आपने निकालनी है वो आप लिख लेते हो पहले। नेक्स्ट आपने फार्मूला लिखना है कि आप मीन का निकाल रहे हैं, प्रोपोर्शन का निकाल रहे हैं, वेरियंस का निकाल रहे हो, आपने वो वाला फार्मूला लिख लेना है। फिर उस फार्मूला में वैल्यू पुट करके आपने वो कंस्ट्रक्ट कर लेना है, आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएंगी। फोर्थ स्टेप में होगा जब वो वैल्यूज आ जाएंगी फिर आपने उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। फोर्थ स्टेप है इसकी, सबसे पहले आपने डाटा को स्टेटमेंट पे न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना है, उसके बाद आपने फॉर्मूला लिखना है कि आपने निकालना क्या है, उस फॉर्मूले से वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर लेनी है और इंटरप्रेट करना। क्वेश्चन आ गया हमारे पास जो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा, एग्जांपल 12.7। अ नॉर्मल पॉपुलेशन हैज अ वेरियंस। अब यहाँ पे ये चीजें बच्चों आपने याद रखनी है, नॉर्मल पॉपुलेशन कहा है उन्होंने, नॉर्मल सैंपल मतलब सैंपल का जिक्र नहीं है, इसका मतलब है ये हमें क्या है सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये चीजें छोटी छोटी आपने याद रखनी है। पॉपुलेशन की फौरन बाद चीज आती है वो या तो अगर मीन गिवन है तो म्यू होगा, वेरियंस गिवन है तो वो सिग्मा स्क्वायर होगा, वो एस या एक्स बार या इस तरह की चीजें नहीं होंगी। जो भी पॉपुलेशन के साथ चीज आती है वो पॉपुलेशन का पैरामीटर गिवन होगा। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, अरे अब देखिए यहाँ से देखिए, अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 16। अब रैंडम सैंपल का जिक्र हो गया, इसका मतलब है ये आपके पास क्या गिवन है, स्मॉल एन गिवन है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉपुलेशन हैज द मीन। अब सैंपल के साथ जो चीज़ आई है जाहिर सी बात है वो उसका मीन है तो वो एक्स बार होगी, म्यू तो नहीं हो सकता है। सैंपल की जो चीज़ होती है वो स्टैटिस्टिक होती है, वो एक्स बार हो गया। अब नेक्स्ट क्या कहा है, कंस्ट्रक्ट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू भी गिवन है, 1 - α भी गिवन है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन, आपने क्या करना है, एस्टिमेट पॉपुलेशन मीन करना है, इंटरप्रेट द रिजल्ट। अब यहाँ पे आपको ये समझ, जब आप टेस्टिंग करोगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि हमने टेस्टिंग करनी थी या एस्टिमेशन करनी थी। यहाँ पे एस्टिमेट का जिक्र आ गया, पॉपुलेशन मीन, तो आपने इसका मतलब है एस्टिमेशन करनी है, और एस्टिमेशन में भी फिर आप इसका मतलब है एक्स बार तो ऑलरेडी गिवन है ना और इंटरवल गिवन है, तो इसका मतलब आपने इंटरवल एस्टिमेशन करनी है, पॉइंट एस्टिमेशन नहीं करनी। पॉइंट एस्टिमेशन में तो आपने जस्ट वैल्यू पुट करके निकाल लेनी होती है, उसमें इंटरवल का जिक्र ही नहीं होता। यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल का जिक्र हुआ है और एस्टिमेट का, इसका मतलब आपने इंटरवल एस्टिमेशन कर लिया। अच्छा, आपने एल लिख लिया, एक्स बार लिख लिया, ये सारी चीज़ें जो थी न्यूमेरिक फॉर्म में लिख ली आपको जो गिवन थी ऊपर क्वेश्चन स्टेटमेंट में, आपने कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट बता दिया कि आप 90% ये गिवन है। नेक्स्ट आपने कहना है इसको फर्दर देखिए, हम जी अल्फा बाई टू उन्होंने हमें जो है ये होता है ना क्वेश्चन में g1 - α/2। अब g1 - α/2 का मतलब है हमने पहले अल्फा को सेपरेट करना है, उसको 2 पे डिवाइड करना है, फिर 1 में से माइनस करने के बाद फिर जी से जी की वैल्यू चेक करनी है। सबसे पहले हमने यहाँ से 1 - α से अल्फा की वैल्यू निकाल ली, अल्फा बाई टू किया, उसके बाद 1 - α/2 किया, ये हमारी ये वाली चीज़ आ गई।
अब z 1 माइनस अल्फा बाय 2 करने के बाद हमने z ये 0.95 आई और टेबल 10b से हमने ऑब्जर्व करके ना अभी 10b से 0.95 के अगेंस्ट वैल्यू हमारी आ गई है 1.645 ठीक है 1.645 हमारी वैल्यू आ गई हमने लिखी है हां टेबल चेक करके अब नेक्स्ट आप क्या दोगे द टू साइडेड मैंने आपको बताया था ना स्टेटमेंट में जब आप सारी चीजें सबसे पहले आप न्यूमेरिक चीजें लिखेंगे कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट से टेबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे नेक्स्ट आपकी ये स्टेटमेंट जरूर आनी है ये वाली द टू साइडेड 90% टू साइडेड ना लिखो कोई मसला नहीं है आप ये लिख दो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज दिस The 90% confidence interval for mu is अब आपने formula लिख लिया x bar minus z 1 minus alpha by 2 sigma by 2 root n ये lower का value आ गई upper की आ गई और ये root और इसको हमेशा ऐसे ही लिखना है between case बना कर ये नहीं करना कि आप separate इसी तरह से आपने इसको find करना है lower value less than mu less than upper value तो आपने इसमें value substitute की इसको मज़ीद simplify किया तो आपके पास ये results आ गए ठीक है ये लोअर वैल्यू आ गई आपकी और ये आपकी अपर वैल्यू आ गई हमने जो टेबल से वैल्यू फाइंड की थी वो लिख ली एक्स बार हमें गिवन था क्वेश्चन में वो लिख लिया सिग्मा की वैल्यू गिवन थी वो लिख ली एन की वैल्यू गिवन थी वो लिख ली आप इसमें इनको सिंपलीफाई किया सब्ट्रैक्ट किया ऐड किया और हमारे पास लोअर और अपर वैल्यू आ गई अब नेक्स्ट आपने इंटरप्रिटेशन भी करनी होगी अब इंटरप्रिटेशन क्या है ये देखें लास्ट स्टेप अब टू साइडेड या फिर आप ये कह सकते हो टू साइडेड ना भी लिखो तो आप कह सकते हो 90% confidence interval हमें 90% confidence interval question में given था ना 90% confidence interval for mu आप mu को find कर रहे हो interval obtained from observed sample आपने sample data से ही सारा obtained किया है is this ठीक है ये याद रखनी है 90% confidence interval for mu obtained from sample data is this we are 90% confident that the interval estimate contain mu मैंने आपको बेसिक पर्पस बताया था कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन होता है इसका मतलब होता है हम इतने परसेंट श्योर हैं कि हमारा जो है इंटरवल इसी के अंदर लाइक करेगा अगर आप इन दोनों को ऐड करके टू को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप देखो कि ये वैल्यू 52.5 ही अप्रोक्सीमेट होगी तो आप इतने परसेंट श्योर हैं कि इसी इंटरवल के दरमियान में आपका पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू लाइक करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं देख लें या कल कर लेंगे आई थिंक आज मैं आपको एक्सरसाइज में अगर इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो बता देती हूँ आगे तो नहीं काफी है तो कल देखेंगे अब एक्सरसाइज आप खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा अब जरूरी तो नहीं कि आपकी मिस ही हर एक क्वेश्चन देख के बताती रहे चलिए देख लेते हैं पहला वैसे टू का बी पार्ट है वी वुड कॉन्फिडेंस इंटरवल टू बी परफॉर्म टू बी प्रेफर्ड ओवर अ पॉइंट एस्टिमेशन अच्छा ये तो न्यूमेरिक फॉर्म ही है नेक्स्ट ये मेरे ख्याल में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये वो थ्योरेटिकल सॉरी क्वेश्चन है ये तो आपने खुद ही रीड कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 का ए से स्टार्ट होता है फाइंड 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल अब ये 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब है ये आपको क्या गिवन है 1 माइनस अल्फा गिवन है फॉर द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अब ये भी बता दें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू के लिए काम करना है विद सिग्मा पॉपुलेशन पैरामीटर आपको नोन है गिवन द सैंपल और आपको ये रिजल्ट है सैंपल के गिवन ये आपको एक्स की वैल्यूज गिवन है अब इसमें डिफरेंस ये आ जाएगा इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस होगा हमने जो एग्जांपल की है कि आपको एक्स बार की वैल्यू गिवन नहीं है बाकी सारे रिजल्ट गिवन एक्स बार की गिवन नहीं है एक्स बार कैसे फाइंड करेंगे आपने इन चारों वैल्यूज को ऐड करोगे आपको सैंपल है ना एन आपका 4 है यानी कि स्मॉल एन आपका 4 है आपने जो वैल्यूज को ऐड करने हैं 4 पे डिवाइड करने हैं यहाँ से आपके पास x बार का रिजल्ट आ जाएगा आपको सिग्मा भी गिवन है n भी गिवन है x बार भी गिवन है 1 माइनस अल्फा भी गिवन है इससे आप z की वैल्यू निकाल लेंगे और ये सारी सब्स्टिट्यूट करेंगे आपके पास ये वाला कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा नेक्स्ट है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अमाउंट्स पोर्ड इन अ बॉटल्स बाय ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन इज 1.8 ml इसका मतलब है ये आपको सिग्मा गिवन है ठीक है आपको क्वेश्चन में सिग्मा गिवन है क्योंकि ये पॉपुलेशन है इसके साथ कोई सैंपल का जिक्र नहीं हुआ द अमाउंट्स टू फिल अ रैंडम सैंपल ऑफ बॉटल्स इज दिस अब यहां पे आपको वैल्यूज गिवन है एक्स की ठीक है ये एक्स की वैल्यूज गिवन है ये कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8
आपका एन जो है वो क्या है आपके पास 8 है, आपने यहाँ से एक्स बार निकाल लेना है। तीन चीजें हो गई आपको, सपोज द पॉपुलेशन ऑफ अमाउंट्स टू फिल इज द नॉर्मल। अब ये भी बता रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन आपकी नॉर्मल है। कंस्ट्रक्ट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, आपने 1 माइनस अल्फा भी आपको गिवन है, इतने परसेंट आप श्योर हो फॉर द मेन अमाउंट और टोटल्स बाय द मशीन। अब सेम वही काम आपने करना है, आपको एन गिवन है, सिग्मा गिवन है, एक्स बार फाइंड कर लेंगे, 1 माइनस अल्फा गिवन है, ये सारी वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट करनी है अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल में और कंस्ट्रक्ट कर लेना है। और बाद में इंटरप्रिटेशन हर क्वेश्चन की जरूर करनी है, अगर उन्होंने यहाँ पे मांगी है या नहीं मांगी है, लेकिन आप लोग सब उसकी इंटरप्रिटेशन जरूर करेंगे कि वी आर 90% कॉन्फिडेंट दैट दिस पॉपुलेशन मीन म्यू ऑब्टेन फ्रॉम सैंपल रिजल्ट्स इज दिस और इतने परसेंट शोर है कि उसके अंदर लाई करता है। ठीक है, ये आपने दो लाइन्स को अच्छी तरह से याद कर लेना है, ये हर क्वेश्चन में आपने लिखनी है। ठीक है, आज के लिए आई थिंक इतना ही है। आप अगर चाहें तो मजीद एक दो क्वेश्चन और देख लीजिएगा, अदरवाइज इंशाल्लाह बाकी हम कल देखेंगे। ठीक है।